गाइस मेरे पीले नीले काले प्यारे सारे दोस्तों अच्छे अच्छे अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने। चावल बनाने के बाद मैं बर्तन धुलूंगी। हाँ दाल बन गया है तो ये रहा कुकर। कुकर में चावल है, मैंने इसको धुला। धुलने के बाद पानी डाला। डालने के बाद मैं इसको रखूंगी गैस में, फिर किचन की सफाई करूंगी हाथों हाथ। बर्तन भी धुलना है। अभी देखना कुकर कैसे सीटी मारेगा। पता है गाइस अगर कोई लड़की या लड़का सीटी मारे तो लोग गलत मानते हैं, ठीक है ये आप लोग भी जानते हो हाँ। लेकिन जब कुकर सीटी मारता है तो लोग बुरा नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों करते हैं लोग। मैंने आज ना मिक्स सब्जी बनाई है हाँ। दोपहर का खाना बनाने चल रही हूँ। वैसे तो मैं दोपहर का खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन भाई है तो बनाना पड़ेगा। आँखें भी होती है। ये मेरा चावल चढ़ गया, बाकी दाल वगैरह बन चुका है, सिर्फ यही बनाना था। सिर्फ इस चावल ही बनाना है, ठीक है बाकी तो काम मेरा हो चुका है। किचन का क्या है तो किचन हर 10 मिनट में पोछना ही पड़ता है, किचन का काम ही ऐसा होता है। क्या आप कुछ बना लिया है? कुछ फैल गया पोछो साफ करो। ये डेली साफ होते हैं तब इतने गंदे हैं, सोचिए अगर कहीं डेली ना साफ करें तो क्या होगा भगवान जाने। पता नहीं अपना घर कब होगा, पता नहीं गाइस भोलेनाथ बाबा कब मुझे अपना घर देंगे। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करते करते 15 साल हो गए। 15 सालों से दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अपना घर जाने कब नसीब होगा? नसीब होगा भी या नहीं होगा? हे शंभु बाबा गाइस मैंने मिक्स वेज बनाया था, आपको खाने हैं तो प्लीज टेस्ट करके बताइए। इसमें मैंने शिमला मिर्च, गोभी, फूल गोभी मतलब मटर और आलू और बीन्स ये सब डाल के बनाया था। अभी खाली करते हैं तो बर्तन धोने के लिए। घर में हम हाउसवाइफ के लिए ना बहुत वर्क होता है, बहुत। घर में जब लोग ये बोलते हैं ना कि तुम कुछ नहीं करती हो घर में बैठी रहती हो ना, तो घर वालों को ये बहुत बात बोलनी चाहिए ना कि देखो घर की औरतें जितना काम करती है ना उतना शायद कोई नहीं करता, क्योंकि आप 8 घंटे जॉब करते हो और घर की औरतें 16 से 17 घंटे ही काम करती हैं। बर्तन हुआ, झाड़ू पोछा हुआ, खाना हुआ, कपड़ा हुआ, बच्चों को संभालना हुआ, स्कूल भेजना हुआ, चाय नाश्ता बनाना हुआ। मतलब मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, ठीक है बीच में मुझे थोड़ी देर के लिए लीव मिल जाता है, उसके बाद मेरे को पूरा दिन काम होता है। बच्चों को पढ़ाऊंगी, एक मैंने और टेंशन पा लिया यूट्यूब वीडियो बनाना। वीडियो तो वायरल हो नहीं रहा है, यूट्यूब वाले अपनी दया दृष्टि कर रहे हैं हाँ, यूट्यूब वाले थोड़ा दया दृष्टि कर रहे हैं, थोड़ा मेरा भी फायदा होता है। मोटर नहीं चलता है, वो अपने अकॉर्डिंग मोटर चलाती मेरी मकान बन के। इतना ठंडा पानी होता है ना कि बर्तन तक धोने के बाद हाथ काम ही नहीं करता, सच्ची बता रही हूँ गाइस, बिल्कुल हाथ ही नहीं काम करता। तू है तो मुझे और क्या चाहिए। अच्छी
साथ तो कभी नहीं। अब मैं फटाफट बर्तन मांजने की बात, तब तक चावल हो जाएगा करूँगी, फिर भाई को खाना दूंगी, क्योंकि ना दाल मैंने बहुत टाइम पहले बना लिया था है, तो फ्राई कर चुके हैं दाल, बनाने के बाद तुरंत फ्राई कर दिया था, मैंने कहा चावल गरम गरम बनाऊंगी। आज ना मैं साबुन से बर्तन धुल रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि बर्तन धुलने वाला साबुन ख़त्म हो गया है, जिसको हम बोलते हैं डिश वॉश, तो निरमा से बर्तन धुल रही हूँ टाइट से, हो सकता है बर्तन चमक जाए, लेकिन ना बर्तन टाइट ना हाथ काट देता है। ये मैं टाइट लेने गई थी क्योंकि ना कप बर्तन धुलने वाला साबुन ख़त्म हो गया था। पता है ठंडी में काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, खासकर जब बर्तन वर्तन कपड़े पड़े धुले। कल रात में मैंने 11:30 बजे कपड़े धुले थे, इसलिए ना क्योंकि मैंने कपड़े भिगो दिए थे और रात में बहुत सारे कपड़े थे, चार कपड़े थे, शिमला घूमने गए थे तो उनके कपड़े पड़े थे, धुले रहेंगे तो फिर उनका पता नहीं होता कब चिल्लाने लगे कि धुले नहीं हो, कपड़े धुले थे उनके। कहने वाला काम ना करो कि डांट खाओ, इसलिए मैं रेडी रहती हूँ हमेशा। पास बर्तन धोने के लिए बता देना, मैं धो दूंगी। एक्चुअली क्या, मैं तो अपने घर में धोती हूँ। भैया हम मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी एडजस्ट करने में ही निकल जाती है। मैंने अपने पापा के घर में कभी इतना काम नहीं किया था। पता है गाइस, मुझे इन सब चीज़ों से अच्छा मुझे ससुराल लगता है मेरा। अपने मायके चले जाओ, ससुराल चले जाओ, वहाँ पे सब लोग साथ में होते हैं, हैं? अच्छा लगता है काम भी करने में, सब कुछ करने में। माजते रहो बर्तन, माजते रहो, दम लगा के है इसका, साफ नहीं होगा मेरे से ये, जब तक विश्वास नहीं आएगा ना तब से। देखो सीटी मारने लगा कुकर ना, किसी को ऐतराज नहीं है इससे, अभी कोई इंसान सीटी मार दे तो देखो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। है तूने मुझे देख के सीटी क्यों मारा लड़ाई, ये चूहा ठीक है, इतना परेशान कर रखा है मुझे, मैं क्या बताऊं। मेरे यहाँ ना नए नए कपड़े बिस्तर सब काट दिया और बहुत बड़े बड़े चूहे, कम से कम 250 ग्राम के चूहों से। बिना सैलरी की नौकरानी होती है और लोगों की निगाह में वैल्यू जीरो होती है, एक कहावत नहीं है गांव में, घर की मुर्गी दाल बराबर। लोग कहते हैं ना कि दाल दाल नहीं साग बराबर, साग इतना सस्ता होता कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, मेरा बर्तन भूल गया, चावल भी पक गया, सच बात बताऊँ ना मेरा भी जल्दी उठने का मन नहीं करता, लेकिन ना क्या करूँ, लाइफ की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उठना पड़ेगा और सबको उठना पड़ेगा, तो जो नहीं जगना चाहते होंगे उनको भी उठना पड़ता होगा, क्योंकि यही अपनी ज़िंदगी का दस्तूर है भैया। Thank you.
पता नहीं फिसल गया गिर गया। एक्चुअली क्या ना गाइस, बर्तन फिसल के गिर गया। अब मैं ना आज पैदल पैदल जाऊंगी बिटिया को लेने, क्योंकि ना पैदल ठंडी है ना, तो हाथ पैर ऐसा लगता है ना जैसे चलना फिरना कम होता है। मेरे छत पे धूप नहीं आता बिल्कुल, धूप लग नहीं पाती। पैदल चलूंगी तो थोड़ा सा धूप लग जाएगा। आज जाऊंगी बिटिया को ना पैदल लेने में, थोड़ा शरीर को धूप लगना भी जरूरी है, क्योंकि ना हाथ पैर इतने ठंडे हो जाते हैं, बिना धूप के काम नहीं बनेगा। एक सेकंड में आती हूँ, कचरा डालोगे। गाइस मेरा बर्तन धो रहा है, अब मुझे रह गया किचन में पोछा लगाना, बस बाकी साफ हो गया। बाय गाइस, टेक केयर।